हाय तो गाइस, सुरेश जी और मैं, इतने टाइम बाद हम लोगों की मुलाकात हुई आफ्टर लॉकडाउन एंड ही वाज इन अमृतसर। तो आज हमने डिसाइड किया कि चलो किसी कैफे में बैठ के थोड़ा सा पिज्जा खाते हैं। अरे मैं तो इतना खुश हूँ कि देखो इसका कितना दिल है। मतलब मेरे को लगता था कि ऐसे ही घर पे बुला लेगा, खाना वाना खिलाएगा। मेरे को इतना यकीन नहीं था कि मुझे बाहर कैफे में लेके आएगा, खर्चा करेगा, इतना टाइम निकालेगा मेरे लिए। नहीं तो ऐसे बिजी कलाकारों के पास टाइम कहाँ होता है यार। ये बड़ी अच्छी, उधर से कैश की शूटिंग चल रही है, कश्मीरा की फिल्म की शूटिंग चल रही है, वहाँ पर भी बिजी है। वहाँ पे कैसी फिल्म है, कैसा शूट, कैसा चल रहा है? बहुत माइंड ब्लोइंग और समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट मतलब कॉमेडी है, लेकिन कुछ नया आप लोगों को देखने को मिलेगा। नहीं पर वो तो ठीक है, घर पे कब बुला रहा है मेरे को? घर पे सर आपका घर है, आप जब भी। ये सिर्फ बहाने होते हैं, मतलब इसका मतलब है बाहर ही खिलाओ पिलाओ खत्म करो, घर पे नहीं लेके जाना, बड़ी चीज है। जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं इसको अपने घर लेके जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, खाना खिलाता हूँ। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा यार, तो मैं बाहर से ये पिज्जा विज्जा खिला के, अपनापन तो होता है अगर घर पे बुलाता, कैश से मिलाता, कश्मीरा से तो मिलाता ही नहीं तू ना। हेलो, मैंने जॉब किया नए कैफे में। अरे मुझे बताया नहीं, ये कैश को बुलाया था, कैफे की वेट्रेस है। अरे कमाल, आपको टाइम दिया हुआ था यहाँ बुलाने का, मैंने आपको अकेले बुलाया था ना। हाँ आप क्यों वापस किसी को साथ लेके आए? पता क्या है, इसको ना पता चल जाता, कभी कभी जैसे आपने मुझे टाइम दिया ना कि आप वहाँ आना हम मिलेंगे, तो क्या पता इसने किसी को टाइम दिया हो। करेक्ट है, करेक्ट है। मैं अभी भी यही बात कर रहा था, मैं क्या फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, आपकी वीडियो देख रहा हूँ आजकल, आप डायरेक्टर बन गए हो और देखो मुझे नहीं लिया आपने फिल्म में, ये गलत बात है। मैं नहीं चाहती थी कि आप सबको ओवरशैडो करो। अच्छा मुझे ये बताइए कि मतलब घर पे कब बुला रहे हो, और नया घर भी ले लिया फिर भी कैफे में आपने बुलाया, कब बुलाओगे घर पे? जब मैं कब आना चाहिए? मैं अभी लेके चलो, मैं मजा, चलो अभी चलते, चलो चलो। कहाँ है, कहाँ है घर? दोस्तों ये इनका घर है, कृष्णा कश्मीरा का घर है, और क्या घर है, मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा। ये देखिए, ये कौन कहेगा ये घर है, ये देखिए, यहाँ पर ये ऑर्डर लिए जाते हैं। यस, क्या पियेंगे, कॉफी लेंगे, ठंडा लेंगे, क्या लेंगे? देखो, अरे शिवा तू, अरे देखो ऐसा घर कभी देखा? उधर देखो आप, बिल्कुल लग रहा है कि भाई हम किसी कैफे में बैठे हैं। वाह, ये होता है कमीनापन के घर पे भी नहीं बुलाया, और ये होती है बात, देखो कैफे में भी बुला लिया, घर पे भी। इतना अच्छा घर कृष्णा, थैंक यू सर, बहुत मजा, बहुत। मैं तो यहाँ पे आया था बड़ा ऐसे करके कि मैंने भी घर लिया है, इनको दिखाऊंगा बुलाऊंगा, लेकिन इनका घर देख के अब नहीं बुलाना यार, बेइज्जती होगी मेरी। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू, वेलकम, लव यू। आज मैं हूँ कृष्णा के साथ, कृष्णा की बिल्डिंग में। ये देखिए इधर, देखिए क्या बात है, क्या बात है। मतलब मैं आपको ये बिल्डिंग देखकर और ये जो माहौल देखकर, मैं इसको एक ही बात कहूँगा कि तूने दिल मेरा तोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा कृष्णा बेवफा। क्योंकि मैं ये सोचता था कि मैंने जो घर लिया है, हाँ, वो कमाल है। उसके ऊपर तो मैंने इस घर को कैसे किया, मैंने ऐसे 4.5 BHK मेरा, जिसको मैंने तोड़ के 2 BHK बनाया। ये कैसे हो सकता है कि मतलब 4 BHK, मतलब 4 रूम का आपने? अरे वैसे ही जैसे आप 1 बेडरूम खरीदते हो, हाँ, और उसके 4 बेडरूम बनाते हो ना, सबको बताते हो बम्बई में मेरा 4 बेडरूम है, वैसे ही मैंने किया। तो बहुत ही अच्छी बिल्डिंग, बहुत ही अच्छा घर, कमाल हो गया, मजा आ गया। और मैंने सोचा था कि कृष्णा को अपने घर बुलाऊंगा, हाँ, और इसको बताऊंगा घर क्या होता है, लेकिन इसका घर जो मैंने देख लिया अभी, तो अभी तेरा कैंसल, मैंने नहीं बुलाना, बेइज्जती थोड़ी करानी।